सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइज देखिए, पीरियड्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे आपके कारण हो सकते हैं। कई फीमेल्स को ज़रूरी काम पर जाना होता है बाहर, या फिर घर पर फेस्टिवल हो, या फिर कोई पूजा हो, या कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके चलते आपको अपनी पीरियड्स की डेट को आगे बढ़ाना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप कौन सी मेडिसिन को यूज़ करोगे, तो चलिए मेडिसिन जानते हैं और बात करते हैं कि कैसे यूज़ करना है और कौन कौन से इसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, टैबलेट का नाम है नॉर्थ ईस्ट्रोन और इसके कुछ इंडिया में पॉपुलर ब्रांड्स भी हैं, जैसे प्राइमलूट एन, गाइनासेट, मैंसिल एन, नॉरलूट एन या फिर रेजिस्ट्रोन। और ये इंडिया के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स नेम हैं, कंपनी हैं इनकी, फेमस कंपनियां। और आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर इन टैबलेट्स को इनके नाम को लेकर परचेज कर सकते हो। इन टैबलेट्स के अंदर जो सबसे फेमस टैबलेट है वो है प्राइमलूट एन और रेजिस्ट्रोन, जो कि आपको 50 रुपीज़ के अराउंड मिल जाती है। और सबसे सस्ती जो टैबलेट है वो है सिसरोन एन, जो कि आपको 45 रुपीज़ की 10 टैबलेट्स मिल जाती हैं। और इन टैबलेट्स के अंदर का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है नॉर्थ ईस्ट्रोन 5 mg में, जो कि शेड्यूल एच की टैबलेट होती है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट्रोन के बारे में कि ये काम कैसे करता है और कैसे ये पीरियड्स की डेट को आगे बढ़ाता है। तो गाइस, जो नॉर्थ ईस्ट्रोन है ये एज ए प्रोजेस्ट्रोन की तरह ही काम करता है। मतलब जब आपको आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के आने से पहले आपका ओवुलेशन आता है। ओवुलेशन के टाइम प्रोजेस्ट्रोन का लेवल बढ़ता है, ठीक है। और जब प्रोजेस्ट्रोन का लेवल बढ़ता है, बढ़ने पर जो यूट्रस है वो अपनी लेयर की थिकनेस को बढ़ाती है। लेयर की थिकनेस को बढ़ाने का कारण ये होता है कि जब आपको ओवुलेशन होगा तो अंडा रिलीज होता है। जब अंडा रिलीज होगा, अगर ये मेल के स्पर्म के साथ मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ये फर्टिलाइज एग है ये यूट्रस में जाता है, और यूट्रस ने जो खुद को प्रिपेयर किया था ये इसीलिए करता है ताकि जो फर्टिलाइज एग है वो उस लेयर पर आए और उसी लेयर से जो फर्टिलाइज एग है उसे हर प्रकार की नरिशमेंट मिलती है, ताकि वो अपनी जो 9th month की प्रेगनेंसी की जर्नी है उसको शुरू कर सके, उसको पूरा कर सके, ठीक है। लेकिन अगर ये एग मेल के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं होता तो जो बच्चेदानी की लेयर बनी थी वो टूट जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। ओके, तो ये सब प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल के कारण होता है। अब जब आपने अपने पीरियड्स की डेट को आगे बढ़ाना है तो आपने इस टैबलेट को लेना है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट्रोन टैबलेट को लेना है। तो ये क्या होगा, जब आप इस टैबलेट को खाओगे तो बॉडी को लगेगा कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है, और जो यूट्रस है वो अपनी थिकनेस को बढ़ाएगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी हाई है क्योंकि आप रेगुलरली इस टैबलेट को लोगे। तो जैसे जैसे आप इस टैबलेट को लोगे तो थिकनेस बनी रहेगी और जो लेयर है वो ब्रेकडाउन नहीं होगी, और अगर ब्रेकडाउन नहीं होगी तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, मतलब कि आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। तो ऐसी ये टैबलेट काम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस टैबलेट को कैसे यूज़ करना होता है अपने पीरियड्स की डेट को आगे बढ़ाने के लिए। तो गाइस, अगर आप अपने पीरियड्स की डेट को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको इस टैबलेट को दिन में 3 बार लेना होता है, 5 mg की डोज, ना कम ना ज़्यादा, सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद, पानी के साथ में। खाना खाने के बाद इसीलिए क्योंकि इससे स्टमक प्रॉब्लम देखी गई है। अब बात करते हैं कि इस टैबलेट को कब यूज़ करना होता है। तो गाइस देखिए, जब भी आपको अपने पीरियड्स को डिले करने हो, मतलब जिस दिन आपने अपने पीरियड्स को डिले करने हो उस दिन से 3 दिन पहले आपने इस टैबलेट को यूज़ करना होता है। मान लीजिए कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो 20 तारीख को आना था, और आप नहीं चाहते हो कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 20 तारीख को आए, तो आप इन टैबलेट्स का यूज़ कैसे करोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही वेट करना है, आप महीने के किसी भी दिन इन टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हो, अगर आपको डर है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा, ठीक है।
तो अगर आपका एक्सपेक्टेड मेंस्ट्रुअल साइकिल 20 तारीख के राउंड का है तो आपको इसे 3 दिन पहले यूज़ करना है, मतलब कि 17 तारीख को आपने इन टैबलेट्स को यूज़ करना है। दिन में 3 बार आपने इन टैबलेट्स को यूज़ करना है और जितने दिन तक आप अपने पीरियड्स को रोकना चाहते हैं आप रोक लीजिए। जैसे ही आप इन टैबलेट्स को यूज़ करना बंद करोगे तो इन टैबलेट्स के बंद करने के 1 से 10 दिन के बीच में आपको आपके पीरियड्स आ जाते हैं। ओके, तो ये तो बात थी इस टैबलेट को कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। आगे बात करते हैं इस टैबलेट के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस देखिए, वैसे तो इस टैबलेट के कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते अगर आप इस टैबलेट को बहुत ही कम दिनों के लिए यूज़ करते हो, लेकिन अगर आप इस टैबलेट को रेगुलरली यूज़ करते हो तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो इरेगुलर हो जाता है। कई बारी लाइट ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में। ब्रेस्ट टेंडरनेस, डिजीनेस, बैक पेन, लोअर एब्डोमन पेन या फिर चेहरे पर बाल आ सकते हैं, माइग्रेन हेडेक होता है कई लोगों को लेथर्जी महसूस होती है। तो ये कुछ इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ये तभी होंगे अगर आप इन टैबलेट्स को ज़्यादा टाइम पीरियड तक यूज़ करोगे, ठीक है। और मैक्सिमम इस टैबलेट को आप 20 दिन तक यूज़ कर सकते हो और 17 दिन तक आप अपने पीरियड्स को रोक सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप बहुत ही कम दिनों के लिए यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं इस टैबलेट को किन लोगों को नहीं लेना होता। तो गाइज, अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या फिर आप प्रेग्नेंट वूमेन हैं तो आप ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। साथ ही अगर आप कोई लंबी स्टेरॉयड थेरेपी पर हैं या फिर आप कोई लंबी एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन पर हैं या फिर आपको बीपी शुगर थायराइड की मेडिसिन चल रही है या फिर एंटी फंगल मेडिसिन जैसे ग्राइसियो फुलविन आप ले रहे हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस टैबलेट को यूज़ ना करें। साथ ही अगर आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, तब भी ऐसी कंडीशन में आपने इस टैबलेट को नहीं लेना होता। साथ ही अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को PCOD की प्रॉब्लम है, ओवेरियन सिस्ट है या फिर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तब भी ऐसी कंडीशन में आपने इस टैबलेट को नहीं लेना होता। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।